हेलो क्लास टेंथ, वेलकम टू अवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अपलोड होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चैप्टर टू में हम डिस्कस करेंगे साइंस का आपका, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट वन। स्टूडेंट्स, हम अरे लाइफ में कई सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, उनके टेस्ट होते हैं। किसी का टेस्ट एसिडिक होता है, किसी का टेस्ट खट्टा होता है, कोई मीठा होता है या फिर किस चीज़ का सॉल्टी होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कौन सी चीज़, कौन से सब्सटेंसेस जो होती है, कौन सी रिएक्शंस होती है, वो किस कौन सी चीज़ एसिड में आती है, कौन सी चीज़ बेस है, कौन सी चीज़ सॉल्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट वन को। करते हैं हम एसिड को पढ़ना। देखिए, एसिड आर अ कंपाउंड विच गिव अ हाइड्रोजन आयन इन विच सॉल्यूशन इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड्स क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन आयन्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो एच प्लस आयन्स होते हैं ना, जो उनको जो प्रोड्यूस करते हैं वो आपके क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। जब भी आप वाटर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करेंगे तो वो एच प्लस आयन्स को प्रोड्यूस करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। एसिड्स फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन विद अ सोर टेस्ट। अब इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? सोर होता है, आई मीन कि खट्टा टेस्ट होता है। जो इसकी जो टेस्ट होगी वो क्या होगी? सोर होगी, खट्टी होती है, ठीक है। अब ये और दूसरी पहचान क्या है? कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और ये क्या होते हैं? ब्लू कलर से रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड रिएक्ट विद बेस एंड सर्टेन मेटल्स लाइक अ कैल्शियम टू फॉर्म अ सॉल्ट। और ये कुछ बेस से रिएक्ट करते हैं। बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक जो होता है, बेस क्या होता है। जब वो बेस से रिएक्ट करते हैं ना तो कुछ सॉल्ट को भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या क्या पहचान होगी? ये टेस्ट में कैसा होता है? सॉर होगा, ठीक है। और ये ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस कन्वर्ट होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी हम देखेंगे, लिटमस पेपर क्या होता है और किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद से जो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? केमिकल सब्सटेंस हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड आर इज कॉल्ड एसिडिक। अब मान लीजिए जो सब्सटेंस क्या होता है, जो सब्सटेंस अगर आपका एसिड है उसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आपका क्या है स्टूडेंट्स? HCl आपका एसिड है। H2SO4 भी क्या है आपका? एसिड है। ये पावर में होगी, H2 नीचे होगा और S4 पावर में होगी। ये HNO3 है, ठीक है। स्टोमक जूस, लेमन वगैरह, विनेगर, एप्पल, ऑरेंजेस, ग्रेप्स और मिल्क, वाइट ब्रेड, फ्रेश मिल्क, ये सब के सब आपके क्या है? एग्जांपल हैं किसके? एसिड्स के, ठीक है। तो एसिड्स की क्या क्या बातें पहले पढ़ी हमने इस टॉपिक में कि एसिड क्या होगा? एक तो हाइड्रोजन आयन्स को प्रोड्यूस करता है वाटर सॉल्यूशन के अंदर। जो H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा? एसिड होगा, वो एसिड्स होंगे। जिनका टेस्ट खट्टा होगा, शोर होगा, शोर होगा, वो क्या होते हैं आपके? एसिड होंगे। ये क्या होगा? ब्लू टू रेड, याद रखना, ब्लू लिटमस टू ब्लू कलर से रेड में कन्वर्ट होता है एसिड में, ठीक है। जो सब्सटेंस केमिकली एसिड होंगे उन्हें हम एसिडिक बोलते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जो क्या होते हैं? आंट होते, चींटियाँ होती हैं या फिर जो भी दूसरी टाइप की आंट होती है, चींटियाँ होती हैं, वो जो वो भी जो प्रोड्यूस करते हैं ना, वो भी एसिड नेचर का ही प्रोड्यूस करते हैं। जो जैसे वो जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो भी लिक्विड वो प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिडिक ही नेचर का होता है। उसका कहते हैं बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर कंपाउंड विच इज प्रोड्यूस अ हाइड्रोक्साइड, यानी ये OH को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। OH माइनस को जो प्रोड्यूस करता है वाटर में, उससे हम क्या बोलते हैं? बेस। बेसिस चेंज इन कलर रेड टू ब्लू। अब जो इसमें लिटमस पेपर होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका? रेड से ब्लू के अंदर कन्वर्ट होगा, ये चीज़ याद रखें आप, ठीक है। दे आर ब्रिटल, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। दे आर बिटर इन टेस्ट, ये क्या होता है? टेस्ट में ना कड़वे होते हैं आपके, ठीक है। कड़वे टाइप का टेस्ट होता, टेस्ट होता है इनका। बेस इज लूज देयर बेसिटी व्हेन मिक्स्ड विद एसिड। जब इसे हम एसिड के अंदर मिक्स करते हैं तो अपनी बेसिटी को रिलीज कर, मतलब कि जो लूज कर देते हैं, जो उनका बेसिक नेचर होता है ना स्टूडेंट, वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाता है जब इन्हें हम क्या करते हैं? एसिड के अंदर मिक्स करते हैं। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। और जब भी हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे बेसिस को, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस कर देंगे? सॉल्ट को और वाटर को। तो ये आपके बेसिस थे। क्या थे बेसिस? बेसिस आर अ कंपाउंड विच हाइड्रोक्साइड, जो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करे, जिसका लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो जाए। रेड से ब्लू होने वाले को क्या बोलेंगे? नोट कर लो आप इन चीज़ों को। रेड से ब्लू होने वाले को हम बोलेंगे बेसिक इन नेचर, बेस। इसका टेस्ट क्या होता है? कड़वा होता है।
जब भी आप बेस को मिक्स करोगे एसिड के अंदर तो उसकी बेसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, लोस हो जाती है, और बेस रिएक्ट विद एसिड तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल जो याद रखिए, जैसे कि आपका एसिड है वो HCl एग्जाम्पल था। इस तरीके से बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, और ये टू है ट्वाइस। ह्यूमन सलाइवा हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, ब्लड प्लाज्मा, एग सी वाटर, बोरेक्स मिल्क, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल है। आपका जो टूथपेस्ट होता है, क्लीनिंग एजेंट हो गया, ब्लीचेस जो होते हैं, ये भी एग्जाम्पल होते हैं आपके बेस के। ये सब के सब बेसिक के नेचर होते हैं, ये आप देख सकते हैं। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इज अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस। देखिए जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे ना तो वो क्या हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट को फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। व्हेन एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बेस इज वीक देन आफ्टर रिएक्शंस सॉल्ट विल बी एसिडिक। अब मान लीजिए कई बार आपका जो एसिड है स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या है, वीक है। अब उन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो वो क्या होगा, एक एसिटिक सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि व्हेन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब एसिड का हो वीक हो और आपका बेस का हो स्ट्रॉन्ग हो, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को प्रोड्यूस करेंगे, जो बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट को प्रोड्यूस करेंगे। जो सॉल्ट होगा वो बेसिक नेचर का होगा। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, कॉपर सल्फेट CuSO4, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं सॉल्ट के। अब देखिए, देखते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आयोनाइज फुल्ली इन वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एच प्लस। आपसे मैं बोल रहा था ना एच प्लस आयन्स प्रोड्यूस करते हैं एसिड, देखिए वो ये होता है आपका एच प्लस आयन, इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। अब जो ज़्यादा से ज़्यादा एच प्लस आयन को प्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सिंपल सी बात। जो ज़्यादा से ज़्यादा एच प्लस आयन्स को प्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। एग्जाम्पल में HCl, H2SO4, HNO3, ये सब आपके HBr स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, तो इसको आप याद रखिए। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ एच प्लस आयन्स को प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरीके से वीक में क्या हो गया, वीक एसिड्स क्या होते हैं, आयोनाइज पार्शली इन वाटर्स टू प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ एच प्लस आयन्स, जो एच प्लस आयन कम प्रोड्यूस करे और जिनके अंदर वाटर की मात्रा ज़्यादा हो, उससे हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड। वीक एसिड कौन, जो कम एच प्लस आयन्स को प्रोड्यूस करे। इसके एग्जाम्पल H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, एसिटिक एसिड, CH3COH, ये एग्जाम्पल हो गए आपके वीक एसिड के, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा एच प्लस प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो कम एच प्लस प्रोड्यूस करेगा वो वीक एसिड होगा। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड का। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, आयोनाइज फुल्ली इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ OH आयंस। देखिए जो लार्ज नंबर ऑफ OH आयंस की मैं बात करता था ना बेस के अंदर, तो इसमें क्या, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर ये होता है आपका OH आयंस, तो जो ज़्यादा OH आयन को प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आप इस एग्जांपल के अंदर भी देख सकते हैं, इसमें देखिए OH आयंस क्या है, ये आपके अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जो OH आयंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, KOH, आप एग्जाम्पल जरूर याद रखिए एसिड और बेस के, कि ये एग्जाम्पल होता है एसिड का, ये एग्जाम्पल होता है बेस का। तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल आपके NaOH, KOH, LiOH और ये COH ट्वाइस होते हैं, ठीक है। अब वीक बेस में क्या होगा, सिंपल OH माइनस जो कम रिलीज करेगा, स्मॉल नंबर ऑफ OH आयंस को प्रोड्यूस करने वाले आपके क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम OH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके, वीक बेस के होते हैं, ठीक है। तो यानी जो OH ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो OH कम प्रोड्यूस करेगा वो वीक बेस। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और डायल्यूटेड सॉल्यूशन में अंतर को देखते हैं एक बार। देखिए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर आपकी जो एसिडिक या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, आयन्स होते हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली, और डायल्यूटेड के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। देखिए इसमें क्या है, जो वाटर है वो ज़्यादा है और ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो आपके एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, कम है। इसके अंदर वाटर ज़्यादा है, इसके अंदर वाटर
और पार्टिकल कम है, तो ये क्या हो गया, डायलूट सॉल्यूशन, और इसके अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और वाटर उतना ही है, तो ये क्या होगा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन लेस अमाउंट ऑफ वाटर। पानी कम हो और आपका सॉल्यूट ज़्यादा हो, ये पार्टिकल सॉल्यूट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लो चीनी पानी है, तो आपका जो शुगर हो गया, वो चीनी जो हो गया, वो सॉल्यूट होता है और वाटर क्या होता है, सॉल्यूएंट होता है, और वही आप दोनों मिला के सॉल्यूशन बनाते हो, तो वो हमेशा क्या होते हैं, डायलूट ही होते हैं, क्योंकि आप हमेशा क्या करोगे, स्मॉल अमाउंट में शुगर को ऐड करते हो, तो डायलूट सॉल्यूशन कहलाते हो। इसी तरीके से जो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल है वो कम है और पानी ज़्यादा है, तो ये डायलूट सॉल्यूशन हो गया, और इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है और वाटर कम है, तो ये क्या हो गया, आपका कंसनट्रेटेड हो गया। एग्जाम्पल कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मोर अमाउंट ऑफ HCl एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। अब कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर आपका जो एसिड है ना वो ज़्यादा होगा, आपका HCl ज़्यादा होगा और वाटर क्या होगा, कम होगा, तो ये आपका क्या होता है, कंसनट्रेटेड एसिड होता है। इसी तरीके से अगर मान लो एसिड कम हो और ज़्यादा पानी हो, ज़्यादा वाटर हो, तो वो आपका हो गया कंसनट्रेटेड और डायलूटेड एसिड। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब कि जो आपका एसिड है वो ज़्यादा हो और पानी कम हो, और डायलूट का मतलब कि आपके जो एसिड है वो कम है और पानी ज़्यादा है, तो वो आपका डायलूट हो गया। ठीक है, बेसिकली अगर पानी कम है तो वो कंसनट्रेटेड, पानी ज़्यादा है तो वो डायलूटेड, ये हो गया आपका। ठीक है, दोनों चीज़ समझ आ गई, डायलूट सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी होना चाहिए। एग्जाम्पल में कंसनट्रेटेड H2SO4 डायलूटेड H2SO4 होते हैं, कंसनट्रेटेड CH3COH डायलूटेड CH3COH, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये आपका क्या कंसनट्रेटेड है, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, ये आपका क्या डायलूटेड है, इसमें सॉल्यूट कम है, तो ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूट का डिफरेंस। अब एसिड को चलिए और थोड़ा अच्छे तरीके समझते हैं, देखते हैं। देखिए द वर्ड एसिड्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये एसिड वर्ड जो है लैटिन वर्ड से आया हुआ है, एसिड इस नाम से, ठीक है। वेयर मीन्स सोर, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा होता है लैटिन में, तो आपका एसिड में क्या होता है, सोर टेस्ट का होता है, खट्टे टेस्ट का होता है। अब दे आर मैनी सब्टांस विच कंटेन एसिड हेंस टेस्ट इज सोर, जिसमें एसिड होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है, लाइक अ कर्ड हो गया, ग्रेप्स हो गए, लेमन हो गया, टमेटो हो गए, टेमरिंड हो गए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है, एसिड के, क्योंकि उनके टेस्ट क्या होते हैं, बिट सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ को देखते हैं, ऑर्गेनिक सब्टांस आर ऑलवेज वीक बट मिनरल एसिड्स कैन बी स्ट्रॉन्ग एज वेल वीक। आपके जो भी ऑर्गेनिक सब्टांस होते हैं, जो भी हम पेड़ और प्लांट से लेते हैं, जो होते हैं नॉर्मली, वो आपके क्या होते हैं, हमेशा वीक एसिड होते हैं, बट जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं, जो मिनरल्स होते हैं आपके। उसके बाद वी कैन टेक डायलूट वीक एसिड लाइक ऑर्गेनिक एसिड इन आवर बॉडी, बट स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड आर वेरी हार्मफुल। अब आप ये बात याद रखिएगा, डायलूट एसिड जो होते हैं हमारे लिए अच्छे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन जब भी आप ज़्यादा एसिडिक चीज़ों को खाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। एसिड के एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं, लेमन हो गया। इस चीज़ को देखिए, जब भी आप ब्लू चीज़ को, ब्लू लिटमस पेपर होता है, ये आपके लैब्स जो होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होगा, आप देख सकते हैं, कभी लैब में जाइएगा तो अपने सर को बोलिएगा दिखाएं। तो इसमें देखिए ब्लू कलर के लिटमस पेपर होते हैं, अगर आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन मिलाओगे तो ये किस में बदल रहा है, रेड में। अगर तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है, याद रखो इस बात को, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ब्लू अगर रेड में जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये लिटमस पेपर से हम पहचान सकते हैं। उसका बेसिक और जानते हैं, बेसिस को और चीज़ जानते हैं। बेस क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, सॉरी कड़वे होते हैं। बेस क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, फील सोपी एंड टच। अब ये क्या होते हैं, थोड़े सॉफ्ट टाइप के होते हैं, जो आपका सोप होता है ना, टूथपेस्ट होता है, हैंड वॉश होता है, डिटर्जेंट होता है, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, बेस के नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर होता है इनका। ठीक है, एसिडिक नहीं होगा, बेसिक नेचर होगा। ये एग्जाम्पल आप NaOH देख सकते हो, ये किसमें प्रेजेंट होता है, सोप में प्रेजेंट होता है, आपका जो साबुन वगैरह होते हैं, डिटर्जेंट में। पोटेशियम आपका कास्टिक पोटैश होता है, जो काम आता है खाना वगैरह बनाने में, कास्टिक सोडा वगैरह होते हैं। इस तरीके सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा कपड़े धोने के लिए, ये वाइट वॉश जो होता है, दीवारों को सफ़ेदी की जाती है उसके अंदर, तो ये सब क्या होते हैं, बेसिक के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें क्या होगा, बेसिक के अंदर जब भी आप रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है,
रेड से ब्लू होना इज बेसिक नेचर। ये रहा रेड, इसको डिप किया आपने बेसिक सॉल्यूशन के अंदर और ये क्या हो गया ब्लू, तो ये क्या होगा आपका बेसिक इन नेचर। उसके बाद आते हैं कंडीशन ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए हम समझते हैं इस चीज़ के अंदर, इसके अंदर देखेंगे कि एसिड कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को या बेस, या दोनों ही नहीं कर सकते या दोनों करते हैं। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। एज वी सो दैट एसिड एंड बेस सॉल्यूशन कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोबाइल आयंस। अब जो ये होते हैं ना दोनों कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोबाइल आयंस। देखिए इसमें क्या होता है, एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सिमिलरली व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर इट आयोनाइज टू फॉर्म आयंस एंड दीज आयंस आर पॉसिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सेम इन द केस ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। देखिए एग्जाम्पल को समझते हैं एक बार हम। जैसा कि ये है, ये एक रॉड है, यहाँ से हमने एक तार को कनेक्ट किया और ये एक तार को इसमें कनेक्ट किया। अब क्या होगा, अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पास कराना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ आयंस की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्डिंग में अगर रहेंगे, ये ब्रेक नहीं होंगे, आयंस के फॉर्म में नहीं आएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ कभी पहुँचेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कभी एसिड या बेस या फिर सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप एसिड बेस सॉल्ट को इसमें डालेंगे ना, तो जो आपके आयंस होंगे ना वो यहाँ से मूव करके यहाँ पे जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। इस तरीके से डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये आपका तो एक तारों के द्वारा दिखाया गया है, जो वायर्स होते हैं उनके द्वारा, तो किस तरीके से हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, एक रॉड लिया और यहाँ पे इसको ले, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं प्रोवाइड कराई, लेकिन जो ये अरेंजमेंट हुई है आपकी, ये आयंस की हुई है और ये दूसरे आयंस की हुई है, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल थे और मोबाइल थे मतलब कि ये आयंस मूव कर सकते हैं एक जगह दूसरी जगह, तो ये आयन इधर मूव करेगा, ये आयन इधर मूव करेगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी फिर क्या हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में एक कनेक्टिविटी बन सकती है, बन जाती है। तो आयंस फ्री होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये बात आप समझ लीजिए। इसका एक एग्जांपल भी है आपके सामने, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, टेक अ सॉल्यूशन HCl, आप HCl को लो, ठीक है, फिक्स टू नेल्स, दो कील को आप फिक्स करो यहाँ यहाँ पर, प्लेस क्रॉक ब्रिक, एक क्रॉक ब्रिक कर ले लो आप, कनेक्ट द नेल टू टर्मिनल्स 6 वोल्ट बैटरी। अब हर एक टर्मिनल को और एक इस टर्मिनल को आप 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करो एंड बल्ब्स और स्विचेस को। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl बीकर एंड स्विच द ऑन करेंट। अब इसमें क्या करो, थोड़ा सा HCl को डालेंगे हम, तो ये क्या होगा, बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, जलेगा, क्यों, क्योंकि जब आप HCl को डालोगे ना तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज जाएगी, एच आयंस इधर चले जाएंगे, Cl इधर आ जाएगा, फिर H इधर जाएगा, Cl इधर जाएगा, इस तरीके से कनेक्टिविटी इंक्रीज जाएगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन में आप यही आएगा, बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, इट इंडिकेट दैट देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन HCl सॉल्यूशंस, ठीक है, HCl सॉल्यूशन होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ जाएगा इजिली। When pour some diluted beaker is get ionized and produce the hydrogen ions H plus ion Cl minus। यही आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, ये चैन बना देंगे इन दोनों के बीच में, कनेक्टिविटी बना देंगे दोनों के पोल्स के बीच में, और इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। तो ये आपकी एक एक्टिविटी थी। उसके बाद हाइड्रोजन आयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन रिएक्ट विद वाटर टू मेक हाइड्रोनियम आयन। जब भी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, एक हाइड्रोनियम आयन बना देगा। ये भी आप इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं किस तरह से आयन ट्रैवल करते हैं। दिस क्लोराइड एंड हाइड्रोनियम आयन मूव सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, कंडक्टिविटी करेगा इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा बहुत ईजिली। वी कैन रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अदर एसिड्स। ये चीज़ को हम दूसरे एसिड के साथ कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए दो नेल लिया, जैसे पिछला एक्सपेरिमेंट था सिंपल वैसा ये भी है, उसी को अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि दो नेल्स हैं, कीले हैं, इनमें क्या किया हमने एसिड डाला। अब ये एसिड क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, कनेक्टिविटी हो जाएगी और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। एसिड एंड बेस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोबाइल आयंस। ये चीज़ आप याद रखना, मोबाइल आयंस की वजह से जो आयंस क्या होते हैं, मूव कर सकते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं आपके एसिड बेस। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। देखिए किसी भी रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, ना तो वो एसिड हो ना तो बेस। आप क्या करो, एसिड बेस को मिक्स कर दो, वो
जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और वो सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करती है। ये आपकी पहली रिएक्शन है। देखिए क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर एसिड और बेस को आप जब रिएक्ट कराओगे, मिलाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये आपका एसिड है और ये बेस है, इन दोनों को आपने मिक्स किया, क्या प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट, सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शंस हैं जिनको आपको लर्न करना है और ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सिंस द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, हेंस इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये दोनों रिएक्ट करते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इस पर आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख लीजिए, लाइक 2HCl और CH, ये बेस है या एसिड है, इसको रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। ये भी एक एसिड है, ये भी एक बेस है, NOH बेस होता है ना, H2SO4 एसिड होता है, इन दोनों को आप रिएक्ट कराओ तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट और वाटर। तो ये आपके एग्जाम्पल्स है, कुछ एसिड और बेस को रिएक्ट कराने से आपको क्या क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज होल प्रोसेस, H+ एंड OH एनसेस कंपाउंड कंबाइन एंड फॉर्म। आपको पता है H2O कैसे बनता है, देखिए H2 में 2H है और 1 O है। इस तरीके से जब एसिड H प्रोड्यूस करता है, एक H एसिड से मिल गया और एक H किससे मिल गया, बेस से और O भी, तो ये दोनों क्या बना देते हैं, ये देखो ये क्या है, एक एच, 2H और 1 O, और वाटर क्या होता है, 2H और 1 O, तो इसमें भी 2H और 1 O है ना, और इसमें भी 2H 1 O है। तो ये एसिड से जो H आता है और OH जो बेस से आता है, वो दोनों कंबाइन होकर आपको क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। ठीक है, याद रखना। तो हमेशा क्या करो, जो भी रिएक्शंस हो उसमें से H2 को निकाल लो ईजली, इसी में इसमें से OH को निकाल लो, हमेशा बेस से, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। आप एक एसिड याद रखो, एक बेस याद रखो। अब एक बेस में से OH को, इस चीज़ को रिमूव कर लो, ठीक है, और यहाँ से आप H को रिमूव कर लो। देखो आप यहाँ से H को निकालो, एक H को, और यहाँ से एक OH को निकाल लो, ठीक है, आपका ये क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलके आपको वाटर प्रोड्यूस कर देंगे। ये देखो यहाँ पे वाटर है ना, ये ऐसे हो जाएगा। अब बाकी जो बचे वो कंबाइन करके लिख दो। तो आपको हमेशा ऐसा करना है, एक H2 लिख लेना है हमेशा सॉल्ट वाटर को, और बाकी जो बचे वो आपका सॉल्ट हो जाएगा, इस तरीके से। तो रटना नहीं इस इक्वेशन में, ठीक है, याद जरूर रखना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एक बार और समझते हैं। न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। एच जो होता है एसिड से आता है और OH- जो होता है वो आपका बेस से आता है। उसके बाद रिएक्शंस एसिड विद मेटल। अब जब आप कभी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, मेटल्स आप जानते ही हैं, जैसे कॉपर हो गया, अल्मोनियम हो गया, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सोडियम, ये सब आपके मेटल्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो जब भी आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या चीज़ होता है और क्या प्रोड्यूस होता है, इस चीज़ को देखते हैं। एसिड गिव्स वाटर अलोंग विद रिस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। देखिए जब भी आप मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे, सॉरी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं हम इसको, तो जो आपके मेटल ऑक्साइड क्या होंगे, CO, ये मेटल ऑक्साइड हो गया, N2O, किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। देखिए देखो मैग्नीशियम है, MgO है, इसमें क्या है, ये मेटल है और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ही है, तो ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। तो जब भी इस मेटल ऑक्साइड को आप किससे रिएक्ट कराओगे, इस टाइप के मेटल ऑक्साइड को, एसिड से, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, ये आपका MgO क्या था, मेटल ऑक्साइड, ये HCl क्या है, ये HCl क्या है आपका, यहाँ पे ना एक एरो भी आएगा, ये आपका सॉल्ट हो गया और ये वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, HCl आपका एसिड है। तो MgO और HCl जब भी आप रिएक्ट कराओगे मेटल ऑक्साइड और एसिड को, तो आपको क्या मिलेगा, वाटर तो रिमूव होगा और एक सॉल्ट मिलेगा, तो याद रखना है। तो जब भी आप रिएक्शन कराते हैं एसिड और मेटल ऑक्साइड का, तो क्या प्रोड्यूस होने वाला है, एक वाटर और एक सॉल्ट, ठीक है, H2 और वो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, इस बात को ध्यान रखना है। एसिड और मेटल ऑक्साइड को जब रिएक्ट कराओगे, एग्जाम में आपसे ये इक्वेशन रिएक्शन पूछी जा सकती है कि आप एसिड को मेटल ऑक्साइड से जब रिएक्ट कराते तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो आप बोलोगे जब भी आप एसिड और मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराओगे ना, तो आपको क्या मिलता है, H2O और सॉल्ट मिलेगा। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ बेस विद नॉन मेटल। अब जो बेस है उसको नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे कि एक नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल क्या होता है आप जानते हो ना, कार्बन, सल्फर, ये सब के सब आपके नॉन मेटल्स होते हैं। अब इनको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड बन जाएंगे। तो ये जो आपका होता है ये क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड होता है।
ये जो होता है ये क्या होता है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये आपके नॉन मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं। तो जब भी आप बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराओगे तो आपको मिलते हैं वाटर, इसमें भी आपको वाटर मिलेगा और जो भी उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट होगा, रिस्पेक्टिव मतलब जान जैसे कि मान लो सॉल्ट तो मिलेगा ही। रिस्पेक्टिव सॉल्ट क्या होता है कि जो आपका ये आपने जिस तरह का ऑक्साइड ले रखा है ना उस तरह का आपको सॉल्ट मिलेगा। जैसे कि इसमें आपने Na लिख रख ले रखा है तो जो आपको मिला इसमें क्या मिला है Na2CO3 मिला, तो ये एक रिस्पेक्टिव सॉल्ट हो गया किसका Na का। इस तरीके से CaOH2 इसको आपने ले रखा है बेस की फॉर्म में तो आपका जो सॉल्ट मिला वो किसके फॉर्म में मिला है CaCO3 कैल्शियम के रिस्पेक्टिव में। तो ये होता है आपका रिस्पेक्टिव सॉल्ट, मतलब जिस तरह का आपका बेस होगा उस तरह का सॉल्ट हमें देखने को मिलता है। और ये तो आपके क्या होते हैं ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप रिएक्शन कराएंगे बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या प्रोड्यूस होगा, ध्यान रखना इस बात को, वाटर और रिस्पेक्टिव सॉल्ट, यानी सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस होते हैं। कब? जब आप बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर इन दिस रिएक्शन रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म वी सॉ द न्यूट्रलाइज रिएक्शन सो इट कैन बी सेड द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अच्छा, मेटल ऑक्साइड किसके नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों? एसिड से रिएक्ट कराओगे मेटल ऑक्साइड को तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो एसिड से कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? बेस। तो मेटल ऑक्साइड क्या हुआ? बेस हो गया। क्योंकि जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे ना तो क्या बना देंगे आपको, न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे रिएक्शन को। तो इससे हमें ये पता लगता है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक हुआ। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस ही मिलकर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। सिमिलरली जब बेस रिएक्ट होता है नॉन मेटल से बोथ आर न्यूट्रलाइज। अब बेस को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है बताओ? एसिड। तो नॉन मेटल क्या हुआ आपका? एसिड हुआ, ठीक है। इसी तरीके से जब एसिड रिएक्ट होता है मेटल ऑक्साइड से तो जो आपका रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो एसिड को कौन रिएक्ट कर सकता है? बेस। तो मेटल ऑक्साइड क्या कर रहा है? उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो मेटल ऑक्साइड भी क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक है। और जब बेस को आप नॉन मेटल से रिएक्ट करा रहे हो तो रिएक्शन क्या हो रही है? न्यूट्रलाइज हो जा रही है। और बेस को कौन रिएक्ट कर पाता है? एसिड। तो नॉन मेटल क्या हो गया? एसिड हो गया, ठीक है। इस बात को आप समझिए। तो ये रिएक्शन थी आपकी मेटल और नॉन मेटल के साथ। उसके बाद रिएक्शन विद मेटल। अब एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे, हमने पिछली में मेटल ऑक्साइड को देखा था, तो क्या होता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। हमेशा याद रखना, जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और इसी में आपको पॉप साउंड देखने को मिलता है, ठीक है। जब भी आप क्या करो, एक सॉल्यूशन लो, उसके अंदर क्या करो, देख सकते हैं आप, इसके अंदर दिखा रहे हैं, एक मेटल को डालो, ये एक मेटल है जिंक का, इसको इसके अंदर डाला जा रहा है किसी सॉल्यूशन अंदर, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। जिंक एक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड, इसको रिएक्ट कराओ, क्या मिल गया आपका? सॉल्ट और हाइड्रोजन। इस तरीके से सोडियम एक मेटल, HCl एक एसिड, दोनों को रिएक्ट कराओ, आपको क्या मिल गया? सॉल्ट मिल गया, हाइड्रोजन गैस मिल गया। एसिड इज नॉट स्टोर इन मेटेलिक कंटेनर एज एसिड एंड मेटल आर इजली रिएक्टेड। इसीलिए हम एसिड को किस में स्टोर नहीं करते? मेटेलिक कंटेनर्स में स्टोर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये ईजिली रिएक्ट कर सकता है। अब आपका जो कंटेनर होगा किसका होता है? मेटल का होता है। और एसिड को आप जब मेटल वाले बॉक्स में डाल दोगे तो वो क्या कर जाएगा? उससे रिएक्ट कर जाएगा। तो इसीलिए एसिड को हम किस में नहीं रखते? मेटेलिक बॉक्स में नहीं रखते, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, रिएक्शंस विद बेस। अब आप बेस के बेस को जब रिएक्ट कराओगे किसके साथ? मेटल के साथ, ठीक है। तो क्या होता है? व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल, व्हेन बेस रिएक्ट्स विद मेटल इट प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब जब आप बेस को मेटल के अंदर रिएक्ट कराते हो तो वो क्या बनाते हैं आपके? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। जब भी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे आप तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ये एग्जाम्पल वो इसी की तरह पहले की तरह ही है, जैसे एसिड को आप रिएक्ट कराते थे ना तो आपको क्या मिलता था? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इस तरह से इसमें भी है, आप बेस और सॉल्ट को जब भी रिएक्ट कराओगे तो आपको रिस्पेक्टिव सॉल्ट, रिस्पेक्टिव सॉल्ट में बताया था कि जिस तरीके का आपका बेस होता है उस तरीके का आपका सॉल्ट होता है। जैसे इसमें बेस क्या था आपका? NaOH का था। इसमें बेस कहता था Na2ZnO
जो इसमें सॉल्ट निकला तो वो Na2 का होगा, और गैस कौन सा रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से NaOH हो गया आपका बेस, ये क्या होगा आपका सॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर कभी बार यूज़ कर सकते हैं हम, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम एलिमिनेट, यानी आपका क्या हो गया सॉल्ट, और ये आपका क्या हो गया हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नॉट ऑल मेटल डू दिस टाइप रिएक्शन, सारे मेटल्स कभी भी इस टाइप के रिएक्शंस को शो नहीं करते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ कार्बोनेट एंड बायकार्बोनेट, अब जो भी आप कार्बोनेट्स और बायकार्बोनेट्स का रिएक्शन कराते हैं एसिड का, तो आपको क्या मिलता है देखते हैं। एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद रिस्पेक्टिव सॉल्ट, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। जब भी आप रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो सोडियम कार्बोनेट है ये और ये आपका एसिड है, इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इस चीज़ को नोट करते जाओ आप, बहुत सारे रिएक्शंस इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ एक एक रिएक्शंस को आप कॉपी में नोट कर लो और उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी यही पढ़ रहे हैं कि जब भी हम कार्बोनेट को एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद जब भी हम उसे बायकार्बोनेट की तरह से रिएक्ट कराएंगे, या कार्बोनेट या बायकार्बोनेट दोनों से आप जब भी रिएक्ट कराओगे ना, तो आपको यही मिलेगा क्या, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। जैसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, ये रहा MgCO3 कार्बोनेट और ये आपका एसिड, तो आपको क्या मिल गया, सॉल्ट CO2 और H2O, ठीक है। CO2 H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा जब भी एसिड को कार्बोनेट और बाईकार्बोनेट के साथ आप रिएक्ट कराओगे। तो अगला है एसिड रिएक्ट विद बाईकार्बोनेट, इसको भी देख लेते हैं। जैसा मैंने डिस्कस किया था आपसे वही चीज़ कि जब भी आप रिएक्ट कराओगे बाईकार्बोनेट के साथ, क्या एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिस्पेक्टिव सॉल्ट वाटर। तो देखो ये आपका बाईकार्बोनेट हो गया, ये भी आपका बाईकार्बोनेट, एसिड के साथ रिएक्ट कराया, सॉल्ट मिल गया, CO2 मिल गया और वाटर मिल गया, ठीक। उसी तरीके से ये एसिड सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चीज़ हो गया। देखते हैं इन जनरली इफ़ वी यूज वीक एसिड रिएक्शंस विल स्लो, एंड इफ जब भी आप वीक एसिड यूज़ करोगे, कंसनट्रेटेड एसिड या फिर जब वीक एसिड डाइल्यूट एसिड आप यूज़ करोगे, वीक एसिड आप यूज़ करोगे ना, तो रिएक्शंस क्या होगी, ये स्लो होगी। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगी तो रिएक्शंस क्या होंगी, फास्ट होगी, ठीक है। जनरली बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बेस जो होती है वो क्या करती है, रिएक्ट नहीं करती। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि बेस जब भी होगी रिएक्ट नहीं करती। सो हेयर नॉट इंटरेस्टेड टू सी, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बेस रिएक्ट नहीं करती कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, सिर्फ एसिड रिएक्ट करते हैं। और एसिड जब रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, क्या प्रोड्यूस करते हैं बताओ, CO2 और सॉल्ट और वाटर। एसिड रेन क्या होती है, देखो एसिड रेन के बारे में हमने सुना होगा। देखो क्या होता है कि जैसे हमारे वाटर पॉल्यूटेड होते हैं, तो पॉल्यूटेड मीन्स कि हमारे वाटर के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस मिल जाते हैं, लाइक नाइट्रोजन सल्फर। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जब धूप आती है तो इवेपरेट होके बादल बनते हैं, और वही बादल क्या होते हैं फिर बाद में बरसते हैं। तो जब बादल बरसते हैं, जो उनकी ड्रॉपलेट होती है, एयर ड्रॉपलेट होती है, और जब रेन होती है, तो उसके अंदर जो आपके पॉल्यूटेंट थे ना, लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रेटिक हो गया, सल्फ्यूरस हो गया, ये रिएक्ट कर जाते हैं आपके वाटर के साथ। और वो जब रिएक्ट करते हैं तो एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं और एसिडिटी इंक्रीज कर देते हैं आपके वाटर ड्रॉपलेट को, ठीक है। जैसे एक सिंपल सी बात है, आपके यहाँ पर हमने यहाँ से गैसेस जो भी फैक्ट्री से रिलीज हो रही हैं, कार से निकलने का धुआं, ये सब के सब गया आपके स्काई में, ठीक है, आसमान में गया। अब वहाँ पर क्या, बादल के अंदर पानी होगा, और यहाँ से क्या चला गया, गैसेज चले गए, तो गैसेज चली गई और वहाँ पे पानी था। अब वो गैस और पानी क्या करती हैं, रिएक्ट कर लेती हैं, और रिएक्ट करके क्या बना देती है, ये जो है आपकी गैस जो आसमान में गई, ठीक है। अब ये किससे रिएक्ट कर जाएगी, वाटर से, किसके रिएक्शन हो जाएगा, ये वाटर से रिएक्ट कर लेगी, और ये कौन सी वो बना लेगी, एसिड बना लेगी, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। और फिर ये जब बारिश होगी तो जो वाटर ड्रॉपलेट होगा वो क्या हो जाएगा, आपके वाटर ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो एसिडिक के नेचर हो जाएंगे, उसमें एसिडिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। अब एसिड रेन से क्या क्या हो रहा है, चीज़ें डैमेज हो रही है, आप देख सकते हो आपके जो हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं, लाइक बिल्डिंग्स हो गई, एग्जांपल ताजमहल विच मेड ऑफ मार्बल, जो मार्बल से मिलके बना, ठीक है, गेटिंग डैमेज बिकॉज ऑफ रिएक्शंस ऑफ एसिड। अब वो जो मार्बल से ताजमहल बना है ना, वो क्या हो रहा है, थोड़ा येलोविश होता जा रहा है, उसकी शाइनिंग जो है वो कम हो रही है, क्यों, क्योंकि एसिड रेन हो रहा है।
इसीलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग भी ट्राई किया करो कि एनवायरनमेंट आप लोग क्लीन रखो, पॉल्यूशंस को कम से कम होने दो, पॉल्यूशंस होने से रोको, बच्चों लोगों को गाइड करो, क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है, आप अपनी लाइफ में भी यूज करो अपनी नॉलेज को। ठीक है, वैसे नीड क्या हुई, सिंपल सी जो भी गैसेस होती हैं एनवायरनमेंट से, हार्मफुल गैसेस जैसे होती हैं, वो आपकी स्काई बादल के अंदर जाती हैं, ठीक है, और वो जा मिक्स हो जाती है वाटर से, वाटर से रिएक्ट करती है, रिएक्ट करके एसिड बनाती है, तो आपकी जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, बूंद होती है, वो एसिडिक नेचर हो जाती है। ठीक है, उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन की वैल्यू जब 5.6 होती है ना, उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। यूजेस ऑफ एसिड बेस को एक बार समझते हैं। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू मेक अ फर्टिलाइजर। अब क्या यूज़ है आपके एसिड और बेसिस का, देख लेते हैं। तो जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है उसका क्या यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए, डाइज को बनाने के लिए, जो कलर्स के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ केमिकल, प्लास्टिक्स, फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव, कार, बैटरी, ये सब किससे बनते हैं, आपके सल्फ्यूरिक एसिड से बनते हैं। तो ये आपके एसिड्स के यूज़ हैं। ऐसे नाइट्रिक एसिड्स के क्या यूज़ हो गए, मेक अप फर्टिलाइजर्स, ठीक है, एक्सप्लोजिव, TNT, नाइट्रो, ये सब जो होते हैं एक्सप्लोजिव एलिमेंट्स होते हैं, उन सबको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। प्लास्टिक को बनाने के लिए यूज़ करेगा नाइट्रिक एसिड। उस तरीके से हाइपोक्लोरिक एसिड जो होता है वो डाई वगैरह बनाने के लिए, कलरिंग के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़ों की इंडस्ट्री होती है उसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे कपड़ों का व्यापार होता है, जहाँ पे कपड़े वगैरह बनते हैं आपके गारमेंट्स वगैरह, वो हो गई। फूड, लीथर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, सॉरी, रिमूविंग मेटल ऑक्साइड, इन सब चीज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं, हाइपोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो बेस है उसका क्या यूज़ है, देखो, यूज़ बेस सोप, पेपर, फाइबर्स, है ना, डिटर्जेंट, ब्लीच और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ब्लीचिंग पाउडर, ये सब आपके क्या हो गए, यूजेस हो गए। देखो, सोप के लिए, पेपर के लिए, डिटर्जेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। इस तरीके से एसिड का क्या यूज़ है, पेंट वगैरह बनाने के लिए, केमिकल सॉल्यूशंस, ये सब बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं।